वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो दोस्तों, हाजिर हैं नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम मिड रेंज वाले फोन्स की बात करेंगे और हमने चार अलग अलग कैटेगरीज चुनी है इस फोन के लिए। पहली ये कि जो प्राइस रेंज होगा वो 15,000 से 20,000 के बीच में होगा। लेटेस्ट 2019 में ही वो लॉन्च हुए होंगे। मिनिमम रैम उनकी 4GB की होगी और मिनिमम बैटरी कैपेसिटी 3500 mAh की होगी। इस कैटेगरी में जो सबसे पहला फोन हमने लिया है वो Redmi का K20। इसका प्राइस 19,911 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। स्क्रीन साइज है 6.39 इंचेस की विद सुपर एमोलेड डिस्प्ले। जो स्क्रीन प्रोटेक्शन है वो है गोरिल्ला ग्लास 5 का। चिपसेट लगा है स्नैपड्रैगन 730G तेज है जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अगर सीपीयू की बात करें तो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, जो थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि प्राइस रेंज में या इससे कम प्राइस रेंज में 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर अवेलेबल है, जो हम आगे आने वाले फोन्स में आपको बताएंगे भी। जीपीयू है एड्रीनो का 618, ओएस है एंड्रॉयड 9 पाई का और 4,100 mAh की बैटरी भी है जिसमें 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है। अगर स्टोरेज की बात करें तो तीन वेरिएंट अवेलेबल है, 6GB 64GB, 6GB 128GB और 8GB 256GB, और SD कार्ड लगाने का स्लॉट इसमें नहीं है। अगर कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो मेन कैमरा है 48MP का, फिर टेलीस्कोपिक लेंस है 8MP का और अल्ट्रा वाइड लेंस है 13MP का। और फ्रंट शूटर की बात करें तो पॉपअप सेल्फी कैमरा है जो कि है 20MP का। तो हमारा अगला फोन है Realme का X, जिसका बेस वेरिएंट 15,000 से शुरू हो जाता है। इसका स्क्रीन साइज की बात करें तो 6.5 इंचेस की स्क्रीन है जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। रेजोल्यूशन चिपसेट की बात करें तो स्नैपड्रैगन 710 जो कि 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। आपको अब इसी प्राइस रेंज में स्नैपड्रैगन 712 अवेलेबल है। सीपीयू की बात करें तो 2.2 गीगाहर्ट्ज़, इसी प्राइस रेंज में 2.3 गीगाहर्ट्ज़ अवेलेबल है। अगर जीपीयू की बात करें तो एड्रीनो 616 618 अवेलेबल है, एंड्रॉयड 9 पाई का सपोर्ट है और 3,795 mAh की बैटरी है जिसमें 20W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। और इसी प्राइस रेंज में आपको 4,000 mAh की बैटरी अवेलेबल है जिसमें वूक चार्जिंग का भी सपोर्ट है। अगर स्टोरेज की बात करें तो चार वेरिएंट अवेलेबल है, 4GB 64GB, 6GB 64GB, 8GB 128GB और 8GB 256GB, और इसमें भी SD कार्ड लगाने का स्लॉट नहीं है। अगर कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें डुअल कैमरा है 48MP का और 5MP का है डेप्थ सेंसर। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा है। जो अगला फोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी M40। इसका बेस वेरिएंट 18,000 में आपके पास आ जाएगा। अगर स्क्रीन साइज की बात करें तो 6.3 इंचेस का स्क्रीन है जो कि TFT स्क्रीन है। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है। अगर चिपसेट की बात करें तो स्नैपड्रैगन 675 जो कि 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर काम करता है और 2GHz का प्रोसेसर है। अब इस प्राइस रेंज में ये दोनों प्रोसेसर और CPU कम है। GPU एड्रीनो 612, एंड्रॉयड 9 पाई का सपोर्ट है और 3500 mAh की बैटरी, इसमें 15W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है। अगर इसके स्टोरेज की बात कर लें तो दो वेरिएंट है, 4GB 64GB और 6GB 128GB। SD कार्ड इसमें आप 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो ट्रिपल कैमरा है, 32MP का मेन शूटर है, 5MP का डेप्थ सेंसर है और 8MP का वाइड एंगल लेंस है और फ्रंट शूटर इसमें 20MP का। हमारा नेक्स्ट फोन है मोटोरोला वन विजन, जिसका बेस वेरिएंट आपको 18,000 में मिल जाएगा। स्क्रीन साइज की बात करें तो 6.3 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले है, एमोलेड स्क्रीन नहीं मिलेगा इसमें आपको। स्क्रीन प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास की है। अगर चिपसेट की बात करें तो इसमें लगा हुआ है Exynos का 9609 जो थोड़ा सा इस प्राइस रेंज में कम है। CPU की बात करें तो 2.2 GHz का प्रोसेसर है, GPU है Mali G72, Android 9 Pi का सपोर्ट है और 3500 mAh की बैटरी है जिसमें 15W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। अगर इसके स्टोरेज की बात करें तो 4GB और 128GB का एक ही वेरिएंट इसमें आता है और इसमें आप एक्सपेंड कर सकते हैं मेमोरी अप टू 1TB। अगर इसके कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो डुअल कैमरा इसमें आता है, 48MP का मेन कैमरा है और एक 5MP का डेप्थ सेंसर है। और अगर फ्रंट शूटर की बात करें तो वो है 25MP का। इस लिस्ट का जो अगला फोन है वो है Realme का XT, जो आपको बेस वेरिएंट 16,000 में मिल जाएगा। स्क्रीन साइज है 6.4 इंचेस का जो कि सुपर एमोलेड है। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है फ्रंट एंड बैक। चिपसेट की बात करें तो स्नैपड्रैगन 712 जो कि 10 नैनोमीटर चैनल पे काम करता है। इस प्राइस रेंज में इससे बेस्ट फोन अभी मार्केट में नहीं है आपके पास। सीपीयू 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का है, GPU Adreno 616 और जो OS है Android 9 Pi, 4000 mAh की बैटरी है, 20W वूक चार्जिंग का सपोर्ट है। अगर इसके स्टोरेज की बात करें तो तीन वेरिएंट अवेलेबल है, 4GB 64GB, 6GB 64GB और 8GB 128GB, और अगर आप चाहें तो कार्ड लगाकर एक्सपेंड कर सकते हैं मेमोरी को 512GB तक। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें क्वाड कैमरा सेटअप है। इंडिया का पहला 64MP का मेन कैमरा लग के आया है इसमें। वाइड एंगल लेंस है,
8 मेगापिक्सल का, डेप्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का और मैक्रो लेंस है 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट शूटर की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का है। आज की डेट में इस प्राइस रेंज में इससे शानदार फोन अभी मार्केट में नहीं है। नेक्स्ट फोन है हमारा नोकिया का 7.2, जिसका बेस वेरिएंट आपको 16,700 रुपये मिल जाएगा। स्क्रीन है 6.3 इंचेस की और IPS LCD डिस्प्ले है। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। चिपसेट की बात करें तो स्नैपड्रैगन 660 है, जो कि 40 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। CPU 2.2 GHz का और GPU Adreno 512। इस प्राइस रेंज में अभी आपको मैंने XT बताया था, इससे काफ़ी बेहतर है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Android 9 Pie का सपोर्ट है और 3500 mAh की बैटरी है, जिसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है और 10 वॉट का चार्जर आपको इसमें साथ मिलेगा। अगर स्टोरेज की बात करें तो इसमें 3 वेरिएंट हैं, 4GB 64GB, 6GB 64GB और 8GB 128GB, और आप कार्ड से इसका एक्सपैंड कर सकते हैं मेमोरी 512GB तक। कैमरा की बात करें तो 3 कैमरा इसमें आते हैं। 48 मेगापिक्सल का मेन शूटर है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। फ्रंट शूटर है 20 मेगापिक्सल का। इस लिस्ट का अगला फोन है वीवो का Z1X, जिसका बेस वेरिएंट 17,000 रुपये में अवेलेबल है। स्क्रीन साइज की बात करें तो 6.38 इंचेस की स्क्रीन है, जो कि सुपर एमोलेड है। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं दिया हुआ है। चिपसेट की बात करें तो स्नैपड्रैगन 712, जो कि 10 नैनोमीटर स्केल पर काम करता है, बिल्कुल रियलमी XT की तरह। CPU भी सेम है 2.3 GHz का और GPU Adreno 616, Android 9 Pie का सपोर्ट है और 4500 mAh की बैटरी है, जिसमें 22.5 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। एक यही फोन है जो Realme XT को इस प्राइस रेंज में टक्कर दे रहा है, लेकिन इसमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं है, बस यही एक इसकी छोटी सी कमी है, अदरवाइज ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है Realme XT के। अगर स्टोरेज की बात करें तो 2 वेरिएंट अवेलेबल है, 6GB 64GB और 6GB 128GB, और इसमें आप एक्सपैंड कर सकते हैं मेमोरी अप टू 256GB तक। अगर कैमरा की बात करें तो ट्रिपल कैमरा है इसमें, 48 मेगापिक्सल का मेन शूटर, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और फ्रंट शूटर है 32 मेगापिक्सल का। इस लिस्ट का अगला फोन है ओप्पो का K3, जिसका बेस वेरिएंट 16,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। स्क्रीन साइज 6.5 इंचेस का, सुपर एमोलेड स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन है अब तक के सारे फोन में से। स्क्रीन प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास 5 का है। चिपसेट की बात करें तो स्नैपड्रैगन 710, जो कि 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। अब ये थोड़ा सा पीछे हो गया रियलमी XT और Z1X से। CPU 2.2 GHz का, Adreno 616 इसका GPU है और Android 9 Pie का सपोर्ट इसके अंदर भी है। अगर बैटरी की बात करें तो 3765 mAh की बैटरी है, जिसमें 20 वॉट वूक चार्जिंग का सपोर्ट है। अगर स्टोरेज की बात करें तो 3 वेरिएंट अवेलेबल हैं इसमें, 6GB 64GB, 8GB 128GB और 8GB 256GB, और इसमें मेमोरी कार्ड को एक्सपेंड करने का सपोर्ट नहीं है। अगर कैमरे की बात करें तो डुअल कैमरा है इसमें, 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा है। अब इस प्राइस रेंज में कैमरा बहुत हल्का हो गया आपके लिए और आप अपनी स्टोरेज भी नहीं बढ़ा सकते हैं। इस लिस्ट का अगला फोन है सैमसंग का A50, जो कि 17,000 रुपये से अवेलेबल है। स्क्रीन साइज की बात करें तो 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड स्क्रीन है। स्क्रीन प्रोटेक्शन में गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। चिपसेट है Exynos 9610, जो कि 10 नैनोमीटर चैनल पर काम करता है। प्राइस रेंज के हिसाब से चिपसेट थोड़ा सा कम है। CPU है 2.3 GHz का और GPU है माली G72। OS लगा हुआ है Android 9 Pie का और बैटरी है 4000 mAh की, जिसमें 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। अगर स्टोरेज की बात करें तो 4 वेरिएंट अवेलेबल है, 4GB 64GB, 4GB 128GB, 6GB 64GB और 6GB 128GB, और आप स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं अप टू 1TB। अगर कैमरे की बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 25 मेगापिक्सल का मेन शूटर है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। और अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो 25 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट शूटर है। अगर अगले फ़ोन की बात करें तो सैमसंग A50 का सक्सेसर है सैमसंग A50S, जिसका प्राइस 19,300 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अगर स्क्रीन साइज की बात करें तो 6.4 इंचेस की स्क्रीन है, जो कि सुपर एमोलेड है। अगर स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। चिपसेट की बात करें तो Exynos 9611, जो कि 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। CPU 2.3 GHz का है। इस प्राइस रेंज में ये चिपसेट थोड़ा सा फीका है। CPU की बात करें तो माली G76 इसमें लगा हुआ है। Android 9 Pie का सपोर्ट है। 4000 mAh की बैटरी है, जिसमें 15 वॉट का फास्ट चार्जर आपको साथ मिलेगा। अगर स्टोरेज की बात करें तो 3 वेरिएंट अवेलेबल हैं, 4GB 64GB, 4GB 128GB, 6GB 128GB। इसमें स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं अप टू 1TB तक। अगर कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो मेन शूटर है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है।
और जो फ्रंट शूटर है वो है 32 मेगापिक्सल का। और इस लिस्ट का जो आखिरी फोन है वो है ओप्पो F11 Pro, जिसका बेस वेरिएंट BCR में आपको मिलेगा। इसकी स्क्रीन है 6.53 इंच की, जो कि IPS LCD डिस्प्ले है। इस प्राइस रेंज में भी आपको एमोलेड स्क्रीन नहीं ऑफर हो रही है ओप्पो की तरफ से। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, और इसका जो चिपसेट लगा है वो MediaTek Helio P70 है, जबकि इसी से कम प्राइस रेंज में MediaTek Helio P72 भी अवेलेबल है, और ये 12 नैनोमीटर क्लोन पे काम करता है। CPU 2.1 GHz का, वो भी बहुत हल्का है। GPU Mali G72, और इसमें Android 9 Pie का सपोर्ट है। अगर बैटरी की बात करें तो 4000 mAh की बैटरी है, जिसमें 20 वॉट वूक चार्जिंग का सपोर्ट है। अगर स्टोरेज की बात करें तो तीन वेरिएंट अवेलेबल है, 4GB 64GB, 6GB 64GB और 6GB 128GB। आप इसकी मेमोरी को एक्सपैंड कर सकते हैं अप टू 256GB। इसकी कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो डुअल कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है, और जो फ्रंट शूटर है वो 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा है। इन सारे फोन्स जो हमने आपको अपनी लिस्ट में दिखाए हैं, इनको रैंक वाइज रख के देखते हैं और देखते हैं कि हमारी रैंक इसमें सही है कि नहीं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो हमने रैंकिंग दी है वो आपको ठीक लगी या नहीं, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले टेक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले टेक वीडियो तक, तब तक के लिए गुड बाय।